अयोध्या धाम में प्राण प्रतिष्ठा को लेकर की जा रही तमाम व्यवस्थाओं के बीच बेहतर ट्रैफिक पर भी फोकस किया जा रहा है। यहां आने वाले श्रद्धालुओं को आवाजाही में कोई दिक्कत ना हो, इसके लिए गोल्फ कार्ट सेवा शुरू की गई है। अयोध्या में आप जब आते हैं तो जीरो कार्बन एमिशन वाली जो गाड़ियां शुरू हुई हैं, कुल 15 अभी फिलहाल शहर में चल रही हैं। और ये कहाँ घूमती हैं? ये राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र हनुमानगढ़ी और लता चौक के इर्द गिर्द घूमती हैं। इनका काम क्या है? दर्शनार्थियों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना। अगर आप इस गाड़ी को देखेंगे, इसमें काफ़ी स्पेस है। ये जिस गद्दी में मैं बैठा हूँ, आराम से 3 लोग कंफर्टेबली बैठ सकते हैं। पीछे इसके एक सीट है, पीछे की सीट अगर आप देखेंगे, इसमें भी 3 लोग आराम से बैठ सकते हैं। और यहाँ जो ड्राइवर साहब हमारे साथ हैं, इनके आगे 2 लोग या 1 लोग बहुत आराम से बैठ सकते हैं। तो कुल मिलाकर 3, 3, 6, 7, 8, कुल 8 लोगों को इस गाड़ी में बैठ के आपका सफर आसान हो सकता है, सुगम हो सकता है। यहाँ राम पथ, भक्ति पथ और धर्म पथ पर ये इलेक्ट्रिक वाहन चलाए गए हैं, इससे यहाँ आने वाले लोग काफी खुश हैं। गाड़ी में बैठे हुए हैं, अयोध्या के दर्शन कर रहे हैं, कैसी लग रही है अयोध्या? बहुत अच्छी लग रही है अयोध्या नगरी हमें, बहुत ही अच्छा लग रहा है। यहाँ पे जो काम चल रहे हैं उन्हें देख के बड़ी अच्छा अनुभव हो रहा है। लग रहा है कि हाँ, आने वाले कुछ सालों में, क्योंकि वर्क इन प्रोग्रेस है तो थोड़ा टाइम लगेगा, मगर चीज़ें और बहुत खूबसूरत हो जाएंगी। और जो ये व्यवस्था बनाई है, मुझे पता लगा है योगीनाथ जी ने, जो हमारे यहाँ के जो चीफ मिनिस्टर है, उन्होंने इसकी व्यवस्था की है, बड़ी अच्छी व्यवस्था की है। इसमें सब आराम से, इसमें कोई पोल्यूशन भी नहीं होगा और लोग आराम से यहाँ पर घूम सकते हैं, सब चीज़ों को देख सकते हैं और बड़े ही अफोर्डेबल रेट में इन्होंने इसकी व्यवस्था की है, बहुत अच्छी बात है। सरकार की तरफ से रामनगरी में चलाई जा रही इन गोल्फ कार्ट का किराया भी ज्यादा नहीं है। कोशिश है ज्यादा से ज्यादा श्रद्धालु यहाँ आए और अयोध्या में तीर्थाटन को बढ़ावा मिले। इस तरह की गाड़ी में सफर कर आप आनंदित महसूस करेंगे। आपकी जो राइड है, आपकी जो क्वालिटी है, जो आप दूर दूर से अगर यहाँ पर दर्शन के लिए आए हैं तो दर्शन तो होगा ही होगा, लेकिन अयोध्या का जो टूरिज्म है, अयोध्या को एक टूरिस्ट की दृष्टि से अगर देखा जाएगा तो शायद इस तरह की गाड़ियों पर बैठ कर ही उसका आनंद मिलेगा। इलेक्ट्रिक वाहन के रूप में गोल्फ कार्ट की सौगात जाहिर है लोगों की सुगमता के लिए ही लाई गई है, जो न केवल पर्यावरण के अनुकूल है बल्कि आपकी जेब के लिए भी सुलभ है और इससे भी ज्यादा अयोध्या के विकास को चार चांद लगा रही है। वीडियो पसंद आया तो हमें लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।